मॉस्को में रूस के विक्ट्री डे परेड के दौरान चीन के रक्षा मंत्री से नहीं मिलेंगे राजनाथ सिंह। अधिकारियों ने चीन के दावे को खारिज किया। मॉस्को में आज मनाया जाएगा विक्ट्री डे परेड। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के अलावा चीन के रक्षा मंत्री विंग फेंग भी होंगे शामिल। राजनाथ सिंह ने रूस से S-400 डिफेंस सिस्टम जल्द मिलने का संकेत दिया। मॉस्को में बयान जारी कर कहा रूस से जल्द शुरू होगी हथियारों की सप्लाई। मॉस्को में राजनाथ सिंह से मिले रूस के डिप्टी पीएम। मुलाकात के बाद बोले राजनाथ सिंह, हथियारों की जल्द डिलीवरी पर हुई सकारात्मक बात। भारत और रूस के बीच बढ़ती नजदीकी से बौखलाया चीन। चीन के सरकारी अखबार पीपुल्स डेली ने अपने फेसबुक पेज पर पोस्ट कर रूस को भारत को हथियार न देने की सलाह दी। रूस का भारत चीन विवाद में दखल देने से इनकार। रूस के विदेश मंत्री ने कहा दोनों देश निकाल लेंगे विवाद का शांतिपूर्ण हल। भारत चीन रूस की बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर का साफ संदेश, कहा सबके हित में फैसला लेकर ही आगे बढ़ा जा सकता है। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में स्थायी सदस्यता को लेकर रूस ने किया भारत का पुरजोर समर्थन। रूस के विदेश मंत्री ने कहा भारत मजबूत दावेदार। सुबह 11 बजे सुरक्षा मामलों की कैबिनेट कमेटी की बैठक, चीन के साथ विवाद के बीच बैठक। अहम CCS के बाद होगी आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी और फिर कैबिनेट की बैठक। भारत के कड़े दबाव में झुका चीन। गलवान घाटी में अपने सैनिकों को अप्रैल 2020 वाली पोजीशन में वापस भेजने के लिए राजी। भारत और चीन के कोर कमांडर्स के बीच बैठक में बनी सहमति। गलवान में हाल ही में बनाए गए सारे स्ट्रक्चर्स हटाएगा चीन। पेंगोंग सो झील पर अभी होगी बातचीत। गलवान घाटी में घायल हुए सैनिकों से मिले आर्मी चीफ जनरल नरवणे। लेह के मिलिट्री अस्पताल में जाकर हाल जाना। घायल जवानों से मुलाकात के बाद आर्मी चीफ ने हालात की समीक्षा की। 14 कॉर्प्स के लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह और उत्तरी सेना के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल योगेश जोशी के साथ बैठक। लेह दौरे में चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ ने की लद्दाख के सांसद से मुलाकात। नदन आर्मी कमांडर भी रहे मौजूद। भारत कर रहा है चीन की चौतरफा घेराबंदी। सेना होविट्जर तोपों के लिए जल्द खरीदेगी गोला बारूद। मोनोरेल प्रोजेक्ट पर महाराष्ट्र सरकार ने दिया चीन को बड़ा झटका। दो चीनी कंपनियों के साथ 500 करोड़ का टेंडर रद्द किया। नेपाल के एग्रीकल्चरल विभाग के सर्वे में बड़ा खुलासा, 33 हेक्टेयर जमीन पर चीन का कब्जा। नेपाल में चीन के खिलाफ उठे विरोध के स्वर। नेपाली कांग्रेस ने सरकार को चीनी अतिक्रमण के खिलाफ एक्ट लाने को कहा। चीन के साथ तनाव पर कांग्रेस वर्किंग कमेटी की 4 घंटे की मैराथन बैठक। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा मोदी सरकार की मिसमैनेजमेंट के कारण LAC पर संकट। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर हमला बोला, कहा चीन के रुख को स्वीकार करें, प्रधानमंत्री ने सेना के साथ किया विश्वासघात। चीन पर कांग्रेस के रुख पर बीजेपी की चुटकी, संबित पात्रा ने कहा टीवी पर सास बहू और साजिश की तर्ज पर मां बेटा और साजिश दिखाई दे रहा है। राहुल गांधी पर बीजेपी नेता शिवराज सिंह चौहान ने भी साधा निशाना, कहा राहुल गांधी के बयान से सेना का मनोबल गिरेगा और अपमान करने वाला ये बयान है। पाकिस्तान से अपने कूटनीतिक संबंध को सीमित करेगा भारत। पाक उच्चायोग से 1 सप्ताह में अपने स्टाफ को 50% कम करने को कहा। भारत अपने पाकिस्तान उच्चायोग से भी 1 सप्ताह के अंदर 50% स्टाफ को वापस बुलाएगा। विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान उच्चायोग के प्रभारी को बुलाकर जानकारी दी। योग गुरु स्वामी देव ने लॉन्च की कोरोना की पहली आयुर्वेदिक दवा। 5 से 14 दिन में मरीजों को ठीक करने का दावा। स्वामी रामदेव ने कहा ट्रायल में पूरी तरह कामयाब रही दवा। 3 दिन में 69% और 7 दिन में 100% मरीजों के ठीक होने का दावा। कोरोना की किट में 3 दवाएं, कोरोनिल टैबलेट, श्वासरी रस और अणुतेल से होगा इलाज। स्वामी रामदेव का दावा, कोरोनिल में 100 से ज्यादा एक्टिव कंपाउंड मौजूद। 7 दिन में लोगों के इस्तेमाल के लिए उपलब्ध होगी दवा। देश में 24 घंटे में 15,968 कोरोना के नए मामले सामने आए। कुल मरीजों की संख्या 4,56,183। देश भर में एक दिन में कोरोना से 465 लोगों की मौत। अब तक 14,476 लोगों ने जान गंवाई। देश में कोरोना से अब तक 2,58,685 मरीज ठीक हुए। 24 घंटे में 10,495 मरीज रिकवर हुए। भारत में प्रति 1 लाख की आबादी पर मौत दुनिया में सबसे कम। ICMR के मुताबिक भारत में 1 लाख पर एक मौत, दुनिया में आंकड़ा 6.04। ICMR ने कोरोना की जांच के लिए देश में 1,000वें लैब को मंजूरी दी। देश में कुल टेस्ट की संख्या 70 लाख से ज्यादा। INS शिवाजी में नेवी के 12 सेलर कोरोना पॉजिटिव पाए गए। कई लोगों को क्वारंटीन किया गया। पीएम केयर्स फंड से खरीदे जा रहे हैं 50,000 वेंटिलेटर्स। इनमें 30,000 वेंटिलेटर बना रहा भारत। इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड 2,000 करोड़ फंड किया गया है आवंटित। दिल्ली एम्स में 25 जून से शुरू होगी OPD की सुविधाएं। सभी पुराने मरीजों को केवल देखा जाएगा, सीमित संख्या में नए मरीजों का इलाज होगा। दिल्ली में कोरोना का एक और रिकॉर्ड, पिछले 24 घंटे में 3,947 नए केस सामने आए। कुल आंकड़ा 66,600 के पार हुआ। दिल्ली में कोरोना से एक दिन में 68 लोगों की मौत हुई। अभी तक कुल 2,301 लोग कोरोना से शिकार बने। केजरीवाल ने गृह मंत्री अमित शाह को न्योता दिया। छतरपुर में 10,000 बेड वाले कोविड सेंटर का निरीक्षण करने को कहा।
अमित शाह ने केजरीवाल को जवाब दिया, कहा 3 दिन पहले गृह मंत्रालय ने आईटीबीपी को सौंपी थी 10,000 बेड वाले कोरोना केयर सेंटर के संचालन की जिम्मेदारी, सेंटर 26 जून से करेगा काम। महाराष्ट्र में कोरोना से 24 घंटे में 3,214 लोग संक्रमित, 248 लोगों की मौत। महाराष्ट्र में कोरोना से अब तक कुल 1,39,000 से ज्यादा लोग संक्रमित पाए गए, 6,500 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। मुंबई में बीते 24 घंटे में कोरोना के 846 संक्रमित मामले सामने आए, 42 लोगों की मौत। मुंबई के मलाड़ में कोरोना के 70 मरीजों के लापता होने से हड़कंप मचा, जांच में जुटे अधिकारी, गलियों में चेकिंग करती नजर आई पुलिस। पुणे में एक दिन में मुंबई के लगभग बराबर केस, 820 लोगों में कोरोना की पुष्टि, 13 लोगों की मौत, कुल मरीजों का आंकड़ा 16,851। पिंपरी चिंचवाड़ के YCM अस्पताल पहुंचे महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री फडणवीस, कम टेस्टिंग पर सवाल खड़े किए। गुजरात में एक दिन में कोरोना वायरस से 549 लोग संक्रमित पाए गए, कुल ग्राफ 28,429 पहुंचा, राज्य में एक दिन में 26 लोगों की मौत। यूपी में 24 घंटे में कोरोना के 576 नए मामले सामने आए, 19 लोगों की मौत हुई, राज्य में 6,189 एक्टिव केस। यूपी में आज से शुरू होगा एंटीजन टेस्ट किट का इस्तेमाल, नोएडा, गाजियाबाद, लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर और कानपुर पर स्पेशल फोकस। नोएडा में कंटेनमेंट जोन बढ़ाए गए, अब कंटेनमेंट जोन की संख्या 229 हुई। राजस्थान में एक दिन में कोरोना के 395 नए मामले सामने आए, 9 लोगों की मौत की खबर, कुल मरीजों की संख्या 15,627। उत्तराखंड में 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा शुरू, थर्मल स्क्रीनिंग और हैंड सैनिटाइजेशन करने के बाद छात्रों को मिला प्रवेश। हरियाणा सरकार ने कोरोना के कारण अगले महीने इंटर और तकनीकी शिक्षा की परीक्षा नहीं लेने का फैसला लिया, अगले सेमेस्टर में प्रमोट होंगे छात्र। हरियाणा में एक दिन में कोरोना के 9 लोगों की मौत की खबर, 495 लोग संक्रमित, राज्य में मरीजों की संख्या 11,520 हुई। मध्य प्रदेश में पूरे देश के मुकाबले कोरोना की सबसे कम 1.43% ग्रोथ रेट, सीएम शिवराज सिंह चौहान का दावा, राज्य में कोरोना के कुल 12,078 मामले। पश्चिम बंगाल में कोरोना के एक दिन में 11 लोगों ने दम तोड़ा, 370 लोग संक्रमित पाए गए, कुल मरीजों की संख्या 14,728 हुई। तेलंगाना में कोरोना का जंप जारी, एक दिन में 879 नए केस सामने आए, अब तक 9,553 लोग संक्रमित। तमिलनाडु में कोरोना ग्राफ 64,600 के पार, एक दिन में मिले 2,516 नए मरीज, अभी तक 833 लोगों की मौत। केरल में 141 नए पॉजिटिव केस सामने आए, करीब 1,600 एक्टिव मामले। रेल यात्रियों को बड़ी राहत, 14 अप्रैल से पहले बुक हुए टिकट को रद्द कराने पर रेलवे देगा पूरा रिफंड। फिर उठी राहुल गांधी को पार्टी अध्यक्ष बनाने की मांग, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में अशोक गहलोत ने उठाई मांग। बिहार के पश्चिमी चंपारण में गंडक डैम की रिपेयरिंग का काम शुरू हुआ, नेपाल ने लगाया था अड़ंगा। मणिपुर में सियासी संकट के बीच इस्तीफा देने वाले एनपीपी कोटे के 4 मंत्री पहुंचे दिल्ली, बीजेपी के सीनियर नेताओं से करेंगे मुलाकात। पाकिस्तान की साजिश का खुलासा हुआ, सीज फायर की आड़ में आतंकवादियों को भारतीय सीमा में भेजने की कोशिश, जम्मू कश्मीर के डीजीपी का बयान। पुंछ के सुरनकोट इलाके में हथियारों का जखीरा बरामद हुआ, हथियारों में यूबीजीएल गन और 212 राउंड गोलियां बरामद की गई। एनआईए के हत्थे चढ़ा कट्टरपंथी संगठन सिख फॉर जस्टिस का आतंकी परगट सिंह 29 जून तक कस्टडी में भेजा गया। भूकंप के तेज झटकों से थरथराया मैक्सिको, रिक्टर स्केल पर तीव्रता 7.4 मापी गई, अब तक 5 लोगों की मौत। अमेरिका में स्मारकों की सुरक्षा के लिए आदेश जारी करेंगे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, अश्वेत नागरिक जॉर्ज फ्लॉयड की मौत के बाद कई जगहों पर हुई थी तोड़फोड़। कोरोना की जांच धीमी करने वाले बयान पर घिरे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, संसदीय जांच समिति की सुनवाई में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने कहा ऐसा कोई आदेश नहीं दिया गया था। दुनिया भर में नहीं थम रही कोरोना की रफ्तार, मरीजों की संख्या 92 लाख के पार, 87,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए। अमेरिका में कोरोना मरीजों की संख्या 24 लाख के पार, अब तक 1,23,000 से ज्यादा मौत। बीजिंग में कोरोना की दोबारा दस्तक देने के बाद बड़े पैमाने पर जांच जारी, अब तक करीब 30 लाख लोगों की जांच कराई गई। दुनिया के नंबर 1 टेनिस प्लेयर नोवाक जोकोविच को हुआ कोरोना, पत्नी की रिपोर्ट भी आई पॉजिटिव, 14 दिन के सेल्फ आइसोलेशन में रहेंगे। पाकिस्तान के 7 और क्रिकेटर कोरोना से संक्रमित पाए गए, मोहम्मद हफीज, वहाब रियाज और फकर जमा की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई। फीफा अंडर 17 महिला वर्ल्ड कप के शेड्यूल का ऐलान, भारत में 17 फरवरी से 7 मार्च 2021 तक होगा आयोजन। कोरोना काल में घर बैठे ले सकेंगे डॉक्टरों से जानकारी, स्वास्थ्य ऐप कराएगी फ्री टेली कंसल्टेशन, आज लॉन्च होगी ऐप। स्वास्थ्य ऐप से जुड़े हैं जाने माने डॉक्टर्स और एक्सपर्ट्स, ऐप के जरिए कोरोना अस्पतालों में बेड की भी जानकारी मिलेगी। सरकारी ई मार्केट प्लेस पर उत्पाद रजिस्टर करने के लिए कंट्री ऑफ ऑरिजिन बताना जरूरी, मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कदम उठाया। मशहूर कोरियोग्राफर सरोज खान की तबीयत खराब, सांस लेने में तकलीफ की वजह से अस्पताल में भर्ती कराया गया।
सिंगर सोनू निगम ने निर्माता भूषण कुमार पर एक वीडियो के जरिए साधा निशाना। म्यूजिक इंडस्ट्री में पक्षपात का मुद्दा उठाने पर बदनाम करने का आरोप लगाया। सोनू निगम पर भूषण कुमार की पत्नी दिव्या खोसला ने किया पलटवार। एहसान फरामोश बताया, कहा टी सीरीज में ही सोनू को दिया था ब्रेक।